हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आज आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एक डिटेल एनालिसिस, जहाँ पे आप जानेंगे किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग सेक्शन में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपसे ये डिस्कस किया गया था कि आपको हर एक सब्जेक्ट का एक डिटेल एनालिसिस या फिर एक इंट्रोडक्शन क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां पे आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आपको ये पता चलेगा कि किन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, किस पर्टिकुलर आपके टॉपिक का कितना वेटेज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यानी कि आपके आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात करें अगर हम एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर एक सेक्शन से, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो, रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो हर एक सेक्शन से आपको यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको 100 देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इनसे मिलने वाले अंकों की, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक सेक्शन से 50 अंक देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें ईच क्वेश्चन की, तो हर एक प्रश्न यहाँ पे आपका 2 नंबर का होने वाला है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन की हम बात करें, प्रत्येक प्रश्न की हम बात करें, तो 2 अंकों के होने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें, तो हर एक सब्जेक्ट का इक्वल यहाँ पे वेटेज है। हम अगर बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग आपका वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड। टाइम की हम बात करें तो आपको पता ही है यहाँ पे आपके पास 60 मिनट होंगे ओवरऑल सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय होगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब हम लोग डिटेल में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जब हम लोग टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग स्मार्ट अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे, कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, जिससे हमारे जो अटेम्प्ट हो वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके, और कहीं ना कहीं हम अपना एक स्थान क्या कर पाए, सुनिश्चित कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किन टॉपिक से कितने कितने यहाँ पे प्रश्न बनते हैं आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग भी हमारे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें पहले टॉपिक की, तो हम लोग लिखेंगे एनालॉगी, एनालॉगी या फिर सादृश्यता। क्लियर? दूसरे अगर हम यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो ऑड वन आउट, अगर हम यहाँ पे दूसरे टॉपिक की बात करें तो आप लोग लिखोगे ऑड वन आउट। इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन, या फिर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे तो आपका डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी पर बेस्ड यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे तो मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग यानी कि कागज को काटना तथा मोड़ना, कागज को काटना तथा मोड़ना, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें
एम्बेडेड फिगर यानी कि सन्निहित आकृति एम्बेडेड फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन, सिलोगिज्म न्याय निगमन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो लिख सकते हैं आप डाइस यानी कि पासा। अगला अगर हम बात करें तो क्यूब यानी कि घन। फिर हम बात करें यहाँ पे तो क्लॉक यानी कि घड़ी। फिर हम यहाँ पे बात करें तो कैलेंडर, तिथि पत्रक या पांचांग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर लुप्त संख्या। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रृंखला यानी कि सीरीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रियाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग जो कि आपका एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है आपके रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन, फिर हम बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था, ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। चलिए ये तो हो गई टॉपिक्स की बात यानी कि इन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनालॉजी की जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होने वाला है अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब वो आपके नंबर पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके शब्दों पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर वो आपके अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन पर बेस्ड, जो कि आपके शब्दों पर आधारित हो सकते हैं, संख्याओं पर आधारित हो सकते हैं, या फिर आपके अक्षरों पर आधारित हो सकते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें यानी कि शब्दों के तार्किक क्रम की हम बात करें तो यहाँ से आपको 1 प्रश्न देखने को मिलता है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें शब्दकोश पर आधारित प्रश्न यानी कि डिक्शनरी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब, इन दोनों में से किसी एक सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एक नंबर यानी कि सॉरी एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एम्बेडेड फिगर की बात करें तो यहाँ से भी आपको 1 प्रश्न, बात करें हम काउंटिंग ऑफ फिगर से तो यहाँ से भी आपको 1 प्रश्न, बात करें अगर हम लॉजिकल वेन डायग्राम की तो यहाँ से भी आपको 1 प्रश्न, बात करें हम सिलॉग्स की तो यहाँ से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिलता है। बात करते हैं हम डाइस की तो यानी कि पासे की, तो पासे से भी आपको 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, पासा चैप्टर से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करें हम क्यूब की तो क्यूब चैप्टर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर यानी कि रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 से 1 यानी कि ना के बराबर। इन द सेम वे क्लॉक से भी आपको
क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलता है, जबकि अगर हम क्लॉक और कैलेंडर के कंपैरिजन की बात करें तो क्लॉक के कंपैरिजन में कैलेंडर के क्वेश्चन आपको ज्यादा बार देखने को मिलेंगे, यानी कि कैलेंडर का क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ किसी किसी शिफ्ट में आपको कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि एक नंबर तक का प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सॉरी, हम बात करेंगे यहाँ पे मिसिंग नंबर की, तो मिसिंग नंबर पर यानी कि लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न आपको एक नंबर का मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे यहाँ पे सीरीज की, तो सीरीज के सेक्शन में आपको 3 से 4 नंबर या कई बार आपको 3 से 4 या फिर आपको 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अब वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सीरीज सुनने के बाद यानी कि श्रृंखला को सुनने के बाद हमारे दिमाग में केवल ये आता है कि नंबर पर आधारित प्रश्न, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कई बार आपको फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको आकृतियों पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से 3 से 4 5 क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि नंबर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को 1 से 2, इसी प्रकार आपके अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर हम बात करें फिगर सीरीज भी आपको कई बार देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 से 4 या फिर कई बार 5 प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। बात करें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाओं की, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन द सेम वे हम बात करें अगर कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली आपको 2 क्वेश्चन या बहुत ही अगर हम बात करें कुछ एक सेट्स में आपको 1 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में। इन द सेम वे अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन पर आधारित आपको 1 प्रश्न, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन आपको ना के बराबर देखने का मिलेगा। इन द सेम वे अगर हम बात करें ऑर्डर रैंकिंग, यहाँ से भी आपको ना के बराबर प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इन टॉपिक्स को कवर अप करके चलेंगे ताकि अगर इन पर्टिकुलर चैप्टर से यानी कि जिन चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं किसी के सेक्शन में मिलेंगे क्वेश्चन, किसी के सेक्शन में नहीं मिलेंगे, तो जिनके सेक्शन में क्वेश्चन मिलेंगे उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना फेस करनी पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर अप करके चलेंगे। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं रीजनिंग सेक्शन की, तो बच्चों का दिमाग में कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, इस प्रकार के जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड जिनके भी दिमाग में फोबिया बैठा हुआ है वो लोग इस चीज को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, और टारगेट ये लेके चलेंगे कि कैसे हमें 25 के 25 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, यानी कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम 100% कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को सही करें, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा स्कोर भी बढ़ेगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, एक अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। क्लियर? तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग जो है वो आपका मोस्ट स्कोरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की अगर हम बात करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।